आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा किए गए मजदूरों की निर्मम हत्या को सांसद रवि किशन ने बताया कायरतापूर्ण कृत्य। गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज स्थित एक होटल में मनभड़ों ने जमकर मचाया उत्पात, घटना सीसीटीवी में कैद। सदर सांसद रवि किशन ने सहजनवा तहसील के पिपरौली में कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को बांटे स्मार्टफोन। संस्कार भारती के अखिल भारतीय महामंत्री अमीर चंद का अरुणाचल में निधन। और सीएम योगी का बस्ती दौरा कल। अब सत्य घटना विस्तार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यपाल बेबी मौर्या आज बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने गोरखपुर पहुंची। महानगर के भगत चौराहा स्थित एक लॉन में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूत बनाने और जिताने की कार्यकर्ताओं से अपील की। तो आप केवल मेरे कंधे से कंधा मिला के एक बार मुझे आश्वासन दे दो, एक बार हाथ उठा के कहो कि बहन जी हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, आपको मान सम्मान दिलाऊंगी, आपका सम्मान होगा, जो भी बात होगी मैं उसे पूर्ण कराने की कोशिश करूंगी। इसीलिए पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, आप लोगों के बीच में भेजा है, आप मेरा भरोसा करके बदलता ही कहना चाहता है कहना चाह रही हूँ मैं। गोरखपुर में आज समाजवादी योजन सभा के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राजघाट थाना क्षेत्र स्थित रेड़ साहब धर्मशाला के निकट सपा योजन सभा के निवर्तमान अध्यक्ष के भाई का रेस्टोरेंट है, जिसे बंद कर वो विगत 12 अक्टूबर को घर जा रहे थे कि बदमाशों ने उन पर हमला कर 5,500 रुपए लूट लिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन राजघाट पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस संबंध में योजन सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि एसएसपी द्वारा उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला है। देखिए, आज हम अपने युवा मोर्चा, अपने यूथ के जिला अध्यक्ष राहुल यादव जी के साथ, सारे फ्रंटर संगठनों के साथ एसएसपी साहब से मिलकर ज्ञापन दिए हैं। हमारे नेता सबीर कुरैसी के भाई के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है और जो उनके साथ लूट हुआ है, इस संबंध में हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र एसएसपी साहब को ज्ञापन दिया है और एसएसपी साहब ने तत्काल इंस्पेक्टर और एसपी सिटी से बात करके यथाशीघ्र इस मामले की पर्दाफाश करने का आश्वासन दिया है और कहा है कि यथाशीघ्र मुलजिम गिरफ्तार होगी और जेल जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मजदूरों की हत्या को गोरखपुर के सांसद व फिल्म अभिनेता रवि किशन ने कायरतापूर्ण रवैया बताया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से मजदूरों की हत्या की जा रही है वो आतंकवादियों की नपुंसकता का उदाहरण है और धारा 370 हटाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे विकास के कारण आतंकवादी पागल हो गए हैं। कश्मीर में जो हत्याएं कर रहे हैं आतंकवादी लोग मजदूरों की, कल भी 13 लोगों को मार दिया, इससे बड़ी नपुंसकता क्या हो सकती है आतंकवादियों की। ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, ये लोग इतने ज्यादा मानसिक तौर पर पागल हो चुके हैं। गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र स्थित टेस्टी हाउस होटल में मनभड़ों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की फुटेज वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर स्थानीय पुलिस दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने में जुट गई है। इस संबंध में होटल के कर्मचारी ने बताया कि लगभग 6 की संख्या में होटल में घुसे मनभड़ों ने होटल में खाना खाने के बाद पेमेंट को लेकर मारपीट और होटल में तोड़फोड़ की है। हमको लगता है ये पुरानी रंजिश को लेके आए थे, पुरानी रंजिश को लेके आए थे सब और तोड़फोड़ किए हैं, बाकी आप सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं। ठीक, कितने की सामान नुकसान हुई, कुछ लागत आपको है पता है? लगभग 50-60 हजार के नियर अबाउट नुकसान हुआ है रेस्टोरेंट का, आप स्वयं देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे में कैद है, उसमें हम आपको खुद ही पता। अच्छा, कितने व्यक्ति घायल हुए हैं कुछ बताएंगे आप? घायल मेरे यहाँ एक चाचा काम करते हैं जिनका राधे नाम है, कटैया के रहने वाले हैं, उनको मारा पीटा गया। हमारे यहाँ एक वर्कर काम करता है अजय नाम का, उसको भी मारा पीटा गया है और हम लोग तो किसी तरह पीछे आप देख सकते हैं किस तरह कूड़ा करकट है, हम लोग किसी तरह अपनी जान जोखिम को लेके पीछे भगते हम लोग अपनी जान बचाए हैं।
गोरखपुर के सांसद व फिल्म अभिनेता रवि किशन ने सहजनवा के विकासखंड पिपरौली में एक कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किया। इस अवसर पर गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह, सहजनवा के विधायक शीतल पांडे भी मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद रवि किशन ने कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाओं को सम्मान देने के साथ साथ आंगनबाड़ी आशा सहित अन्य कार्यकर्त्रियों का मानदेय भी बढ़ाया जा रहा है और स्मार्टफोन देकर उनको आधुनिकता से भी जोड़ा गया है। उन लोगों का भी मानदेय बढ़ रहा है, आंगनबाड़ी बहनों का भी बढ़ रहा है, आशा बहनों का भी बढ़ रहा है, नारी शक्ति का सम्मान इस भारतीय जनता पार्टी में। गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीणों ने आज मुंडेरा बाजार के अधिशासी अधिकारी के निलंबन की मांग को लेकर चौरी चौरा तहसील में जमकर प्रदर्शन किया। सपा नेता काली शंकर के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से मिलकर ग्राम महुआबारी की जन समस्याओं को दूर करने की मांग की है। इस मौके पर सपा नेता काली शंकर ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से क्षेत्र में नाली सड़क की समस्या से गांव के लोग जूझ रहे हैं, लेकिन अधिशासी अधिकारी की लापरवाही के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जो व्यक्ति असामाजिक तत्व लोग उसको रोक रहे थे, उसके बाद जाके एसडीएम ने तहसीलदार ने जाके वहाँ के मौके का मुआयना किया और कहा काम स्टार्ट हो जाए। उसके बाद वहाँ 39 लाख का बजट भी पास होता है और उसके बाद वहाँ जेसीबी से कुछ दूर खनवाया जाता है, मगर कहीं न कहीं जो सत्ता कह रही है कि हम आम जन के हित की बात करते हैं, ये सत्ता कहीं ना कहीं पूंजीवादियों के साथ और ऐसे कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के साथ मिली हुई है। और यहाँ का ईओ जो नगर पंचायत का ईओ है वो भी मिला हुआ है। हम आज उसने लगातार 1 महीना हो गया एक काम को शुरू हुए, आज अध कचहरे में वहाँ काम रखा हुआ है, रोज बोलता है कि आज कर देंगे कल कर देंगे, वो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के साथ मिला हुआ है। आज हम उसके सस्पेंशन की मांग करते हैं नगर पंचायत के ईओ की। रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3120 के तत्वावधान में वाराणसी के सारनाथ में आयोजित अवार्ड सेरेमनी में रोटरी क्लब गोरखपुर यूफोरिया को डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन के श्रीवास्तव द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब गोरखपुर यूफोरिया की पूर्व अध्यक्ष खुशबू मोदी ने रोटरी क्लब यूफोरिया का प्रतिनिधित्व किया। आपको बता दें कि रोटरी क्लब गोरखपुर यूफोरिया द्वारा रोटरी हैप्पी स्कूल, कम्युनिटी सर्विसेज, प्लांटेशन, वाटर एंड सैनिटाइजेशन, राहत सामग्री वितरण और प्रवासियों को घर तक पहुंचाने के लिए साधन उपलब्ध कराना, मेडिकल कैंप, रक्तदान, शैक्षिक क्रियाकलाप संबंधित प्रतियोगिताएं सहित तमाम किए गए सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। हमने क्लब लास्ट ईयर ही फॉर्म किया था कोविड टाइम्स में और हमको ये मौका मिला कि हम कोविड टाइम्स में लोगों की मदद कर सके इस क्लब के थ्रू, सोशल सर्विस के थ्रू। कल सारनाथ काशी में डिस्ट्रिक्ट लेवल के अवार्ड सेरेमनी थे जिसमें हमने एटलीस्ट 10 मेन अवार्ड्स बैक किए और काफ़ी सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मिले, जिसमें से 3 हमको मेन अवार्ड्स भी मिले जो थे स्टार प्रेसिडेंट जो मुझे मिला, स्टार सेक्रेटरी जो अंजलि लिलारिया को मिला और स्टार क्लब जो हमारे क्लब को मिला, जिसको पा करके ऑब्वियसली मैं बहुत सम्मानित हूँ, बहुत खुश हूँ। हमें 1 साल जो हमने और हमारी टीम रोटरी यूफोरिया ने, हमारी प्रेसिडेंट खुशबू मोदी ने जो हमने काम किए उसके लिए हमें बनारस में रोटेरियन के श्रीवास्तव जी के द्वारा सम्मानित किया गया। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया था, हमने बहुत सारे अनाथालयों में काम किया था, कोविड के दौरान हम लोगों ने भोजन का वितरण किया था और बहुत सारे लोगों को हमने जो है दवाइयाँ वगैरह दी थी, तो उसी के लिए मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया है। थैंक यू सो मच। संस्कार भारती के अखिल भारतीय महामंत्री अमित चंद के अरुणाचल प्रदेश के तवांग में निधन से पूरे देश सहित उनके पैतृक गाँव बलिया के हनुमानगंज में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा सहित कई नेताओं ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव हनुमानगंज स्थित निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार आज जनपद के शिवरामपुर घाट पर किया गया। 1985 में वो संघ द्वारा पूरी तरह जुड़ गया, उसके बाद प्रचारक हुए, प्रचारक से कार्यवाहक हुए ना, उसके बाद अपना हर राष्ट्र में जाकर अपना संघ का काम किए और उनके जिम्मे रहा कि हिंदू संगठन को जागृति करना, हाँ उसके बारे में वो पूरा प्रचार करते रहे
और काम करते रहे। लखीमपुर घटना में केंद्रीय मंत्री के बेटे पर उचित कार्रवाई नहीं होने एवं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को मंत्री पद से हटाने जैसी 5 मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय स्थित सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन पर जमकर प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रेलवे परिसर से लेकर रेलवे ट्रैक पर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस GRP मौके पर मौजूद रही। दर्जनों की संख्या में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सदर SDM को ज्ञापन देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार पांडे ने मीडिया से बात करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और लखीमपुर खीरी घटना में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई एवं केंद्रीय मंत्री को मंत्री पद से हटाने की मांग की। लखीमपुर में बर्बरता पूर्वक गाड़ी चढ़ा करके किसानों की हत्या कर दी गई, जिसमें अजय मिश्रा जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके बेटे ने ऐसा घटना घटाया। बेटा तो गिरफ्तार हुआ लेकिन मंत्री जी का पद अभी जो है बरकरार बना हुआ, अभी वो मंत्री बने हुए हैं और 120 का मुकदमा होते हुए भी मंत्री जी का न तो पद हटाया जा रहा है न तो उनकी गिरफ्तारी हो रही है। और इसके अलावा रिमांड पर उनके बेटे को लिया गया है, उसमें सारी सुख सुविधा हो रही है और उसका निष्पक्ष जांच नहीं हो रहा है। इसी को लेकर के आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे भारत में रेल लोको कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 19 अक्टूबर को बस्ती दौरे पर रहेंगे, जहां वे दस्तक और संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि CM कल 12 बजे बस्ती जनपद के किसान डिग्री कॉलेज के मैदान में बने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, जहां से वे 19 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रदेश भर में चलने वाले दस्तक अभियान का शुभारंभ करेंगे। CM के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटा है। CM की सुरक्षा में 3 ASP, 6 CO, 141 उप निरीक्षक, 581 मुख्य आरक्षी, 102 महिला आरक्षी, 2 कंपनी PSC लगाई गई है। कल माननीय मुख्यमंत्री का बस्ती जनपद में आगमन प्रस्तावित है, संभावित है और ये संचारी रोग अभियान है, उसका शुभारंभ जो है पूरे प्रदेश के लिए जनपद बस्ती से किया जाएगा। 19 अक्टूबर को जनपद बस्ती में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है, संचारी रोग माह के का प्रारंभ होने जा रहा है, उसका शुभारंभ वो जनपद बस्ती से कर रहे हैं। इसके संबंध में जो जनपद का समस्त फोर्स है वो साथ में एक कंपनी PAC और अन्य जनपदों से एक एडिशनल SP, 3 CO और 20 इंस्पेक्टर्स और 100 सब इंस्पेक्टर्स और 500 कॉन्स्टेबल्स ये हमें प्राप्त हुए हैं, जिनको हम इसमें सुरक्षा व्यवस्था में लगा रहे हैं। साथ ही में एंटी सबोटाज टीम और डॉग स्क्वाड वगैरह भी प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से हम सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र स्थित लबदहिया गांव में बारिश की वजह से छप्पर के मकान की कच्ची दीवार देर रात भरभराकर गिर गई। इस दौरान दीवार के मलबे में पति पत्नी दब गए, जिसमें मौके पर ही पत्नी की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि घायल अवस्था में पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व की टीम आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। ये रात में करीब 2:30 बजे के करीब दीवार गिर पड़ी है, जहाँ पे दोनों लोग सोए थे, महिला और उसके हस्बैंड, और वहीं ऊपर गिर पड़ी है, उसी से उसकी मौत हो गई। किसकी पत्नी की मौत? पत्नी की मौत हो गई है और पति के चेहरे पर चोट काफी लग गई। इस संदर्भ में DM सौम्या अग्रवाल ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित परिवार को 4 लाख का आपदा राहत का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें उनको जो भी अहेतुक सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाएगी और साथ के साथ इस चीज़ की पुष्टि हो जाने पे, जांच रिपोर्ट जाने पे 4 लाख का मुआवजा मृतक के जो परिजन है उनको दिया जाएगा। शेष ऊर्जा प्रबंधन की हठ धर्मिता एवं वादा खिलाफी के खिलाफ आज विद्युत कर्मचारियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्य अभियंता वितरण गोरखपुर को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि हमारा ये प्रदर्शन प्रबंधन द्वारा कई चक्र की वार्ता के बाद भी समस्याओं का द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से निराकरण नहीं कराने का परिणाम है। यह कहीं से नया आंदोलन नहीं है, पुराना आंदोलन है जो विभाग हमें परमानेंट केवल टालता रहा है, जबकि हम जमीन के और हाथ से काम करने वाले संपर्क से आते हैं, विभाग के हम लोग ऋण हैं। जो अब ये आज के डेट में तकनीशियन को अभी तत्काल में आदेश हुआ था, जेई संगठन जब आंदोलन में था तो उसको कहा गया कि जेई का कार्य लिया जाए। कैश काउंटर जो हमारा कहीं से भी काम हमारा नहीं है, लेकिन कैश काउंटर पे भी हमारे लोग कार्य कर रहे हैं।
ऑपरेशन में भी कार्य कर रहे हैं। वसूली हमारा काम नहीं है, लेकिन हम काम कर रहे हैं और इस आंदोलन में बाद भी हमको इतना प्रताड़ित करने के बाद भी उपभोक्ता हित में हम लोगों ने जो विद्युत आपूर्ति है बहाल रखी है। आवश्यक जो मेंटेनेंस है, जो कहीं से अचानक फॉल्ट हो जाए जिससे आपको उपभोक्ता को कोई दिक्कत होने लगे, उस मेंटेनेंस को हम लोगों ने भी बहाल रखा है। उसके बाद हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और ये कई चरण का आंदोलन है जो केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर है, किंतु यह आंदोलन हर चरण में अपने और उग्र और उग्र लेगा और अंत तक अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो उपभोक्ता से हम एक बार क्षमा मांगेंगे और अंत में यही कहेंगे कि एक बार हम लोग विद्युत आपूर्ति भी बाधित करेंगे। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताजी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।